किसी भी अभिनेता को सुपरस्टार उनके फैन बनाते हैं, क्योंकि लोग जिस अभिनेता को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं वह सुपरस्टार बन जाते हैं। साउथ सिनेमा पर सालों से राज करने वाले नागार्जुन को चाहने वालों की कमी नहीं है। उनके डायलॉग, उनकी एक्टिंग के सब इतने दीवाने हैं कि लोग उनकी मूवी देखने फर्स्ट डे और फर्स्ट शो पर जाते हैं। यानी कहे तो वे अभिनेता हर इंसान के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन अभी हालिया वीडियो के जरिए उन्हें लोगों की काफी आलोचना सुनाई पड़ी है, जिस पर अब अभिनेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल नागार्जुन रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर सपोर्ट हुए थे। नागार्जुन के साथ धनुष और उनके बेटे भी मौजूद थे। पेपराजी ने तीनों को अपने कमरे में कैद कर लिया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसे देख सभी फैंस के होश उड़ गए और सभी नागार्जुन की आलोचना करना शुरू कर दिया। दरअसल एयरपोर्ट पर जब एक बूढ़ा फैन नागार्जुन के पास आया तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बुरी तरह से उन्हें धक्का दे दिया। जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड ने गार्ड को धक्का दिया, लोगों को यह जरा भी रास नहीं आया। ऊपर से अभिनेता ने अपने गार्ड को वहाँ कुछ कहा भी नहीं, जो बात लोगों को खटकने लगी और उन्हें ट्रोल करने लगे। मगर कुछ लोगों ने उनकी साइट भी ली और कहा कि अभिनेता ने यह नहीं देखा था। अब सिक्योरिटी गार्ड द्वारा फैन को धक्का दिए जाने पर नागार्जुन ने चुप्पी तोड़ी है। अभिनेता ने एयरपोर्ट का वीडियो शेयर करते हुए उस बूढ़े फैन से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा, इस बात को अभी मैंने नोटिस किया, यह नहीं होना चाहिए था। मैं उस सज्जन से माफी मांगता हूँ और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए आवश्यक सावधानी बरतूंगा।